हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है माय यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, आज हम आपको ये बताएंगे कि आपका पटवारी का रिजल्ट आखिर कब तक आ सकता है। दोस्तों, अब तक सभी लोग ये सोच रहे थे कि आपका रिजल्ट दिसंबर माह में आएगा, सभी लोग यही कह रहे थे, लेकिन ऐसा अब तक नहीं हो पाया है। और हरिप्रसाद शर्मा के द्वारा भी उन्होंने कहा गया था कि आपका रिजल्ट भी दिसंबर माह में आएगा, लेकिन ऐसा कुछ दिखता नहीं नज़र आ रहा है। तो दोस्तों, आखिर आपका रिजल्ट कब तक आएगा? तो दोस्तों, इसमें आप सारी जानकारी की चर्चा करेंगे, तो इस वीडियो को शुरू से लेकर एंड तक जरूर देखें ताकि आपको इस बारे में सारी जानकारी मिल सके। तो दोस्तों, RSMSSB के अनुसार आपका रिजल्ट लगभग, इन्होंने कहा गया है, इन्होंने ट्विटर के माध्यम से बताया गया था कि आपका रिजल्ट राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड की तरफ से आयोजित पटवारी भर्ती 2021 का परिणाम जनवरी के अंत तक जारी किया जाएगा। और इन्होंने यह भी कहा गया है कि परिणाम में देरी मेल की जगह फीमेल कर दिया है, तो बहुत लोगों ने इसमें कैटेगरी में परिवर्तन हो सकता है। तो दोस्तों, ट्विटर के माध्यम से आपको ये जानकारी दी गई है कि आपका रिजल्ट जनवरी के अंत तक लगभग जारी कर दिया जाएगा। तो दोस्तों, उपेंद्र जी ने भी ट्विटर के माध्यम से यह जानकारी दी थी कि जो पटवारी का परिणाम को लेकर वे बेरोजगार बहुत परेशान हो रहे हैं, युवा साथियों, जनवरी माह में ही भर्ती परीक्षा का परिणाम जारी हो जाएगा। यदि बोर्ड लापरवाही बरती जाती है और परिणाम जारी नहीं किया जाता है तो 1 फरवरी को अधीनस्थ बोर्ड के बाहर हम धरने पर बैठ जाएंगे। तो दोस्तों, ये उपेंद्र यादव जी का कहना है। और उन्होंने इसी के साथ ये एक और कमेंट किया था कि पटवारी भर्ती परीक्षा के परिणाम के संबंध में अधीनस्थ बोर्ड के चेयरमैन हरिप्रसाद जी से बात हुई है। चेयरमैन मोदी जी ने कहा है कि पटवारी भर्ती परीक्षा का परिणाम जनवरी माह में जारी किया जाएगा। और दोस्तों, इसी के साथ जो आपके रेट की परीक्षा होने वाली है उसमें लेवल वन और लेवल टू के 32,000 पदों के लिए एक ज्ञापन जारी किया गया है। उसमें आपको ये दिखाया गया है कि आपकी परीक्षा को लेकर क्या क्या एज को लेकर आपकी जो जो प्रॉब्लम है वो इसमें बताई गई है कि उनमें 3 वर्ष की छूट दी जाएगी, तो आप अपने अनुसार देख सकते हैं। और दोस्तों, ये जो ज्ञापन है वो महामंत्री मनीष पांडे जी ने दिया है। और दोस्तों, इसी के साथ यदि आपकी अनुमानित कट ऑफ देखें तो इसमें यह दिया गया है कि आपकी जनरल कैटेगरी की कट ऑफ 195 अंकों से 210 के बीच में जा सकती है, और OBC कैटेगरी की कट ऑफ 178 से 200 के बीच में, और EWS कैटेगरी की कट ऑफ 180 से 190 के बीच में, और SC कैटेगरी के कट ऑफ 165 से 178 के बीच में तक जा सकती है, और ST कैटेगरी के कट ऑफ 158 से 170 के बीच में तक जा सकती है, MBC कैटेगरी की कट ऑफ 180 से 178 अंकों तक जा सकती है। और दोस्तों, इसी के साथ यदि आपके बोनस अंकों की बात की जाए तो आपके जो पटवारी परीक्षा हुई थी इसमें लगभग आपको 8 से 10 अंक तक का फायदा मिल सकता है। और इस प्रकार यदि आपके प्रश्नों की बात की जाए तो प्रश्नों में 5 से 7 प्रश्न ऐसे थे जो अभ्यर्थियों ने इस पर आपत्ति जताई थी, तो इस प्रकार आपके अंक 8 से 10 अंकों तक का फायदा मिल सकता है। और दोस्तों, इस प्रकार की और भी वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें।